प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से बंगला साप्ताहिक पत्रिका सोम प्रकाश के संबंध में सत्य है या हैं। इस पहला है, इस समाचार पत्र का प्रकाशन 1859 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था, तो दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले वुड घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच की रिपोर्ट के आधार पर निम्न में से किस एक स्थान पर विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई। तो आप देखिए, ये जो रिपोर्ट आई थी इसके माध्यम से लखनऊ में जो है विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी। इसके बारे में और देखें तो वुड डिस्पैच जो घोषणा पत्र था ये 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। इसके अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की गई, मतलब तीन जगह पे, लखनऊ उसमें कहीं पे नहीं है। अगला है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध हुए निम्नलिखित विद्रोहों में से कौन सा एक कालक्रम में प्रथम स्थान पर आता है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा किस सन में हुआ है। तो देखिए, जो आपका कच्छ का विद्रोह है ये 1819-31 का है, कोल विद्रोह जो है, बिल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है ये 1806 का है, इसके बाद संथाल का जो विद्रोह है वो 1855-56 का है, और कोल विद्रोह जो है वो आपका 1831-32 में है। तो इस प्रकार से जो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 है वो सबसे पहले आएगा, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यदि इसमें क्रम लगाना हो, मतलब सबसे पहले कौन हो उसके बाद कौन सा, तो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर कच्छ का विद्रोह, फिर कोल विद्रोह, फिर संथाल विद्रोह आएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए, क्या दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है कि स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी वो खेतिहारों को पट्टा जारी करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल सही है। कारण, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, ये भी सही है, और ये व्याख्या भी कर रहा है, कथन का व्याख्या कर रहा है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जो श्रेय है ये मुर्शीद कुली खान को जाता है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को निम्नलिखित में से किसने दास्ता का आज्ञापत्र बताते हुए उसकी आलोचना की थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी आलोचना की गई थी। अगला है, 22 दिसंबर नहीं, यहाँ 22 अक्टूबर होना चाहिए, 1939 की तिथि को याद किया जाता है किस रूप में। तो इसको इसको जो है मुक्ति दिवस के रूप में याद किया जाता है। कैसे, तो देखिए, 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा सभी मुसलमानों को मुक्ति दिवस के मनाने का आह्वान किया था। अगला है, यंग इंडिया जिसका बम्बई से द्वि साप्ताहिक प्रकाशन होता था का किस पार्टी द्वारा एक साप्ताहिक रूप में प्रकाशन प्रारंभ किया गया। तो होम रूल पार्टी के द्वारा इसका प्रकाशन जो है साप्ताहिक किया गया। तो देखिए, 7 मई 1919 से यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से होम रूल पार्टी के सदस्यों जमुनादास, द्वारकादास तथा शंकर लाल बैंकर के द्वारा प्रकाशित होने लगा। आगे चलते हैं, निम्न में से किसने या किसे अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना। तो किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता का जो अधिवेशन होता है 1917, यहाँ पर एनी बेसेंट को जो है प्रथम महिला के रूप में चुना जाता है। और यदि पहली भारतीय महिला कहा जाएगा तो 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन होता है वहाँ पर सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था। आगे चलते हैं, श्वेत विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। पहला, यह क्लाइव के समय की घटना थी, बिल्कुल सही है। मुंगेर तथा इलाहाबाद के श्वेत सैनिकों ने भत्ता कम मिलने के कारण विद्रोह किया था, ये भी सही है। तो दोनों ही आपके ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन की बात करनी है। तो देखिए, इस आंदोलन ने निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया, तो ये सही कथन नहीं है, ठीक है, ये नीचे तक नहीं पहुंचा था। तो ए ऑप्शन आपका जो है ये सही नहीं है। इसके अलावा इसके कारण भारत का आधुनिकीकरण होता है, ये सही है। राजा राम मोहन राय को इन सुधारों का भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है, तो ये भी सही है। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, दीवाने मुस्कराज राजस्व विभाग सही है, दीवाने खैरात दान विभाग ये भी सही है, दीवाने रिशातल रिशालत धार्मिक बंधु संबंधित ये भी सही है, दीवाने अर्ज ये वित्तीय मामलों से संबंधित नहीं है बल्कि ये सैन्य या रक्षा से विभाग से संबंधित है। इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट, मुनि जिन विजय सूरी, इनमें से कौन से राणा कुंभा के दरबार संबंधित रहे। तो मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट ये तीनों ही संबंधित रहे हैं राणा कुंभा के दरबार से, जबकि मुनि जिन विजय सूरी जो हैं ये अकबर के समय से संबंधित रहे हैं।
इस प्रकार से ए ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था। तो जो हेलेबिट था ये, इसको पूर्व में द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था, जो कि होयसल राजवंश की राजधानी थी, और ये कहाँ पे है, कर्नाटक में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, द्वैतवाद मध्वाचार सही है, अद्वैतवाद शंकराचार्य ये भी सही है, द्वैता द्वैतवाद निम्बकाचार्य ये भी सही, पुष्टि मार्ग रामानुज नहीं है, पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक रहते हैं वो बल्लभाचार्य हैं। ठीक है, तो आपका डी पुष्टि मार्ग बल्लभाचार्य होना चाहिए, ये सही नहीं है, जो पुष्टि मार्ग या वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर स्थित रहा है। तो जो वत्स है, वत्स महाजनपद, ये आपके आधुनिक इलाहाबाद था, बांदा जिले के अंतर्गत आता है, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। गुप्त काल में उद्रंग शब्द का क्या निर्दिष्ट था, शब्द क्या निर्दिष्ट करता है। तो उद्रंग जो है एक प्रकार की भूमि होती थी, एक प्रकार की भूमि भूमिकर होता था, मतलब भू राजस्व होता था। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और उद्रंग एवं भाग का प्रयोग साथ साथ होता था। अगला है, नानाघाट नासिक एवं सांची के अभिलेखों से निम्नलिखित में से किस एक राजवंश का उल्लेख मिलता है। तो इससे जो है सातवाहन राजवंश का उल्लेख मिलता है। सातवाहन वंश का शासक सिमुक था, इसका राजक्षेत्र कृष्णा एवं गोदावरी के मध्य से था। नानाघाट नासिक एवं सांची के अभिलेखों से सातवाहन वंश का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को स्थापित किया गया था किसके द्वारा। बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1930 में। आगे चलते हैं, ए ओ ह्यूम कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। तो ये किसी भी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इन्होंने 1885 में की थी, और ये इसके प्रथम महासचिव थे, और बाद में कांग्रेस ने इन्हें कांग्रेस का जो है जीवन पर्यंत महासचिव घोषित किया था। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा एक असत्य है। तो देखिए, पहला, यह मिशन 2 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, नहीं 2 मार्च को नहीं बल्कि 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, तो ये वाला कथन असत्य है। बाकी इसके अलावा, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एंटली इटली थे, सही है। इसमें मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई थी, ये भी सही है। गांधी जी इस योजना के पक्ष में थे, ये भी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक खिलाफत आंदोलन का विरोधी था। तो मदन मोहन मालवीय जो है इसके विरोधी थे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं होता था, उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी आभासी मुद्रा है। तो पेट्रो, बिटकॉइन, बाइटकॉइन, स्विफ्ट कॉइन, ये सभी के सभी जो है एक आभासी मुद्रा है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, हिस्टोरिका हेरोडोटस सही है। इंडिका के लेखक कौन थे, सेलुकस निकेटर नहीं बल्कि मेगस्थनीज था, तो बी वाला आपको सुमेलित नहीं है। नेचुरल हिस्ट्री का पिलनी, सेक्रेट बुक ऑफ ईस्ट ये मैक्स मूलर की है। आगे चलते हैं, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 14.2% है, बिल्कुल सही। महिलाओं में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात पुरुषों की तुलना में कम है, ये सही नहीं है, अधिक है। क्योंकि देखिए, वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात जो होता है, ये कार्यकारी जनसंख्या 15 से 59 साल के सापेक्ष वृद्ध जनसंख्या जो 60 वर्ष या उससे अधिक है का अनुपात होता है। भारत में यह 14.2% है। महिलाओं में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 14.9 है, 14.9 है, जबकि पुरुषों में 13.6 13.6 है। तो इस प्रकार से केवल पहला वाला ही कथन आपका सही है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। देखिए, शंकर देव असम के, मलुकदास जो है ये राजस्थान के नहीं बल्कि ये आपका, इनका जन्म इलाहाबाद के कारा में होता है, इनका कार्यक्षेत्र मूलतः पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में इनका कार्यक्षेत्र है। नरसिंह मेहता गुजरात सही है, नामदेव महाराष्ट्र भी सही है। फिर दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें आपको सुमेलित करना है। तो डलहौजी ये व्यवगत सिद्धांत संबंधित रहे हैं। लिनिथ गो जो है अगस्त प्रस्ताव से, मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत, चेम्सफोर्ड द्वैत शासन से। इस प्रकार से आपका 2, 1, 4, 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। पहलो, हिंद, यमन, कुषाण, शक या पार्थाई। तो देखिए, सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले आपके हिंद यमन आते हैं, फिर शक या पार्थाई आते हैं, फिर आपके पहलो और फिर कुषाण आते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका क्रम होगा 2, 4, 1, 3 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंदुसार की हत्या करके मगध की सत्ता प्राप्त की थी। तो ये कथन
हमें बताना उपयुक्त से कौन से कथन असत्य नहीं है, मतलब सत्य है, तो ये वाला कथन सत्य नहीं है, क्योंकि अजात शत्रु जो है ये हर एक वंश का शासक था, इसके पिता बिंबिसार थे ना कि बिंदुसार थे। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। दूसरा, महाबुद्ध महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण अजात शत्रु के शासनकाल में होता, तो ये सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। नौसेना विद्रोह हुआ था कब? 18 फरवरी 1946 को यह विद्रोह होता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मध्यस्थता के कारण यह विद्रोह समाप्त हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्यस्थता के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में स्थित नहीं है? तो चीनी का रैजा, इत्मीनुद्दौला का मकबरा ये, और जहांगीर महल, ये आगरा आगरा में ही, जबकि पादरी की हवेली ये आगरा जनपद में नहीं बल्कि बिहार के पटना में स्थित है। तो सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बेल्ट के मैदान अफ्रीका में, सेल्वास अमेजन बेसिन कैंपास दक्षिण पूर्वी अब ब्राजील, और स्टेपीज जो है उत्तरी अमेरिका में नहीं बल्कि ये आपके कहाँ पे है? यूरोप में। स्टेपीज आपके यूरोप में है, तो डी वाला सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टुगेला विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सही है। यह वेनेजुएला में स्थित है, नहीं, यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो आपका केवल कथन ए ही जो है वो सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से कौन सा एक अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देखिए, जेलेपला यह आपका सिक्किम में, जबकि बुमला, बोमडिला और शेला ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, ना कि 2000 का है। आगे चलते हैं। दो सूचियां, एक तरफ झीलें, दूसरे संबंधित राज्य इन्हें सुमेलित करना है। रविंद्र सरोवर जो है आपका पश्चिम बंगाल में, रविंद्र सरोवर पश्चिम बंगाल, पोई झील महाराष्ट्र में है, ढेबर झील आपका राजस्थान में है, ढेबर झील राजस्थान, और बेरिजम झील जो है ये आपका तमिलनाडु में है। इस प्रकार से 3142 अर्थात बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, देश है और स्थानांतरी कृषि, तो देखिए भारत में झूम कहते हैं, मैक्सिको में जो है मिल्पा कहते हैं, और आपका ब्राज़ील में रोका कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं, मलेशिया में लदांग कहते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर इसको सुमेलित करिएगा तो 3412 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। काला हांडी का पठार किस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो यह दंडकारण्य जो पठार क्षेत्र है उसके तहत ये इसको शामिल किया गया है। समुद्र तट रेखा की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार देशों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे अधिक तट समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी किसकी है? कनाडा की है। तो कनाडा, इसके बाद इंडोनेशिया, कनाडा है, इंडोनेशिया है, ग्रीनलैंड है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोट की सहायता सही उत्तर चुनिए, बताइए। पहला कथन जो है, विषाणुओं का अध्ययन जैव विकास के अध्ययन में किया जाता है, बिल्कुल सही है। कारण, विषाणुओं में केवल निर्जीव गुण विद्यमान होते हैं, नहीं, विषाणुओं में निर्जीव और सजीव दोनों गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए कथन तो सही है पर कारण गलत है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ और पठारी मध्य प्रदेश क्षेत्र राज्यों में फैला अमरकंटक का पठारी क्षेत्र किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये जो है बॉक्साइट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्यसभा के संबंध में असत्य है? संघ राज क्षेत्रों में इसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, ये गलत है, होता है, जैसे कि आपका दिल्ली, पौंडीचेरी, और इसे विघटित नहीं किया जाता, ये बिल्कुल सही है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, ये भी गलत है। तो इसमें बताना है कौन से असत्य हैं। तो पहला और तीसरा है जो है इसमें आपका असत्य है। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच विस्तारित है? तो पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु एवं सतलज नदियों के बीच विस्तारित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक घाटी भारत, भूटान एवं तिब्बत की सीमा पर स्थित है? तो ये चुंबी घाटी है। कौन सी घाटी है? चुंबी घाटी है। जबकि सेक्रेट घाटी पेरू में है, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में, श्वात घाटी पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन से देश ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत सम्मिलित है? देखिए, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड प्लस वेल्स और स्कॉटलैंड आते हैं, उत्तरी आयरलैंड नहीं आता। उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम में आते हैं। जब ग्रेट ब्रिटेन में आप उत्तरी आयरलैंड को भी ऐड कर देते हैं तो वो यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। जबकि जब ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो उसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ही रहते हैं। तो हम यहाँ पे इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, मतलब 2, 3, 4 आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अशखाबाद निम्नलिखित में से किस एक मध्य एशिया के देश की राजधानी है? तो अशखाबाद जो है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखाबाद है।
तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ताशकंद है, और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन चुनिए। लिवरपूल को यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता? नहीं, लिवरपूल को नहीं कहा जाता बल्कि एवरडीन को कहा जाता है। तो पहला वाला कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। दूसरा, इस्तांबुल को पश्चिम का द्वार कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका केवल कथन दो जो है, या दो जो है वो सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इस संबंध में न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श बाध्यकारी होता है? नहीं, बाध्यकारी नहीं होता है, परामर्श ही होता है, ठीक है, परामर्श बाध्यकारी नहीं होगा। तो आपका केवल ए जो है वो सही हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही हो गया। किसी व्यक्ति को दिए गए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने की राष्ट्रपति की शक्ति क्या कहलाती है? लघुकरण कहलाती है। आर्टिकल 72 के तहत इनको शक्तियाँ दी गई हैं। हरित ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में किस प्राणी में उत्सर्जन होता है? तो जो आपके झींगा और अन्य क्रस्टेशियाई जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन हरित ग्रंथि के द्वारा होता है, अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, इसमें से जो न्यू कैलिडोनिया है ये फ्रांस के अंतर्गत आता है, जबकि सेंट हेलेना, फॉकलैंड द्वीप, पिटकेयर, ये आपके ब्रिटिश अधीनस्थ क्षेत्र हैं। रोन डेल्टा तथा लायंस की घाटी में चलने वाली ठंडी हवा, ये कौन सी हवा है? तो मिस्टल की हवाएं हैं। महानदी के अपवाह द्रोणी का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से नहीं है? तो महानदी का अपवाह द्रोणी का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से नहीं है, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इनसे संबंधित है। कनाडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ दो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं, सही है। ट्रांस कनाडा हाईवे प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के तटों को जोड़ता है, ये भी सही है। इस प्रकार से सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, पहला रेल मार्ग जो है कनाडियन पैसिफिक रेलवे है, जो न्यू ब्रंसविक से वैंकूवर तक है। दूसरा रेल मार्ग कनाडियन राष्ट्रीय रेल मार्ग है, जो नोवा स्कोशिया से ब्रिटिश कोलंबिया तक चलता है। अगला, निम्नलिखित में किस एक अनुच्छेद द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा किसी केंद्रशासित प्रदेश हेतु स्थायी विधानसभा या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है? तो आर्टिकल 239A के तहत। देखिए, 14वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 239A जोड़ा गया। इसके अंतर्गत संविधान में यह प्रावधान किया गया कि संसद द्वारा किसी केंद्रशासित प्रदेश हेतु स्थानीय विधानसभा, मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण हो सकता है। जब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तब क्या होता है? उच्च न्यायालय की शक्तियों को छोड़ करके राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार की समूची शक्तियां ग्रहण कर ली जाती हैं, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के लिए भी अध्यादेश जारी हो सकता है, ये भी सही है, अर्थात सी ऑप्शन 1, 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? देखिए, भाग 17 राजभाषा संबंधित, बिल्कुल सही। भाग 18 आपात उपबंध, भाग 9 नगर पालिका, नहीं, भाग 9 जो है वो ग्राम पंचायत से, 9A जो है वो नगर पालिका से है। तो आपका सी ऑप्शन सही नहीं है, जबकि भाग 15 निर्वाचन संबंधित है। भारत में सहकारी समितियों का गठन करने का अधिकार क्या है? करने का अधिकार ये संवैधानिक आपका अधिकार है, ये आपका संवैधानिक राइट है। तो देखिए, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निषेध तत्व के रूप में अनुच्छेद 43 खा स्थापित किया गया, जो सहकारी समितियों को संवैधानिक स्तर प्रदान करता है। अगला, निम्नलिखित में किसकी मृत्यु के पश्चात टी कृष्णामाचारी को संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल किया गया था? तो डीपी खेदान की मृत्यु के बाद। देखिए, भारत के संविधान सभा गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुआ। इसके 6 अन्य सदस्य थे, मतलब कुल 7 सदस्य, एक अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर जी और 6 अन्य सदस्य एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान की मृत्यु वर्ष 1948 में हो गई, जिसके पश्चात टी.टी. कृष्णामाचारी को इनके स्थान पर सम्मिलित किया गया। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य है? नागरिक समाज के आंदोलनों का समर्थन करना, बिल्कुल नहीं। भारत के शहरों की गलियों, सड़कों और अन्य अवसंरचनाओं का स्वच्छ रखना, यह भी नहीं है। देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये आपके मूल कर्तव्यों के तहत आता है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में किसकी शपथ का प्रावधान उल्लेखित नहीं है? तो राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान इसमें उल्लेखित नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 60 में है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है?
तो राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद के द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, बिल्कुल नहीं। इनका वेतन भारत संचित निधि पर भारित होता है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है। इसमें पूछ रहा असत्य कौन सा है, तो दूसरा वाला असत्य सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य है उसका गठन का वर्ष है, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, मेघालय 1976, 1976 नहीं बल्कि 1972 में इसकी स्थापना होती है, और हिमाचल प्रदेश की 1971 में। अगला है, निम्नलिखित आयोगों निकायों में से कौन सा एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य नहीं करता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, ये सभी गृह मंत्रालय के तहत आती है, परंतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है ये इसके तहत काम नहीं करता है। ये आपका जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में कब लागू किया गया, तो 24 अप्रैल 1993 को। निम्न में से कौन सा तत्व है, किसका सामाजिक निम्न में से कौन सा सत्य है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। आर्थिक स्वतंत्रता शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तीन तरह के हैं परंतु उसमें आर्थिक नहीं है, ये सभी कथन सत्य हैं। आपका कमेंट में बता सकते हैं चाहे तो कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सत्य है। देखिए, इसका इस प्रक्रिया का वर्णन आर्टिकल 61 में है, बिल्कुल सही। महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जाता है, ये भी सही है। महाभियोग का आधार साबित कदाचार होता है, नहीं साबित कदाचार नहीं होता बल्कि संविधान का अतिक्रमण होता है। तो इसमें कौन सा सत्य है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। तीन अलग अलग देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा भारत का राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम जो है तीन अलग अलग देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। किससे घिरा है, भूटान, नेपाल और चीन से। जबकि एक ही देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा, त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। निम्नलिखित भूकंपीय तरंगों में से कौन सी एक सिर्फ ठोस माध्यम में ही चल सकती है, तो जो एस तरंगें हैं वो ठोस माध्यम में ही केवल चल सकती हैं, जबकि पी जो है हर माध्यम में चल सकती है। एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें भी कहा जाता है, ये प्रकाश तरंगों के बाद चलती हैं। समोआ द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, तो समोआ द्वीप जो है ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। यह पॉलिनेशिया एवं ओशनियाई के व्यापक क्षेत्र का हिस्सा है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक जनघनत्व के मामले में देश में चतुर्थ स्थान रखता है, तो उत्तर प्रदेश जो है ये चतुर्थ स्थान रखता है जनघनत्व के मामले में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए क्षेत्रफल के मामले में भी चौथे पे है और जनघनत्व के मामले में भी चौथे पे ही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, सही है। थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये भी सही है। वैसोप्रेसिन ये प्रोटीन नहीं है, ये भी आपका क्या है, हार्मोन है, तो आपका सी वाला सुमेलित नहीं है। पॉलीथीन ये बहुलक है, सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये इलाहाबाद में नहीं बल्कि रामपुर में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला ये आपका गोरखपुर में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये आपका लखनऊ में है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला नहीं सही है, दूसरा तीसरा सुमेलित है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए अमेठी जो है में जायसी स्मारक सही, बांदा में कलिंजर दुर्ग ये भी सही, प्रतापगढ़ में बेलहा देवी मंदिर ये भी सही, हरदोई में 84 गुंबद नहीं, 84 गुंबद आपका कहाँ पे है, ये कालपी में स्थित है। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इससे आगे के 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 76 नंबर क्वेश्चन से, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन किस एक वैश्विक संस्था का महत्वपूर्ण निकाय है, तो यह विश्व बैंक समूह का निकाय है। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन, दो सूचियाँ दी गई इसे हमें सुमेलित करना है, तो स्टॉक होम सम्मेलन इसमें आपका UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई, ठीक है। बियाना सम्मेलन ओजोन परत स्तर के संरक्षण संबंधित है। रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 आता है और कानकुन सम्मेलन हरित जलवायु कोष की स्थापना से संबंधित है। इस प्रकार से इसका जो डी ऑप्शन है 3, 4, 2, 1 वो सही है। अगला है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है। पहला, इस योजना का प्रारंभ अगस्त 2004 में भारत सरकार द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है, इस योजना का उद्देश्य केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना था। जब भी प्रश्न में आपको किसी भी विकल्प में केवल
जैसा शब्द दिखाई पड़े जिसपे ज्यादा जोर हो कि केवल या मात्र, तो वो पूरी संभावना होती कि वो विकल्प सही नहीं होता, गलत होता है। तो ये जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह केवल अनुसूचित जात जनजाति के लिए नहीं बल्कि एससी एसटी इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना इस योजना के तहत की गई थी। सी ऑप्शन देखते हैं, अप्रैल 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत शामिल कर लिया गया था, ये सही है, अर्थात बी ऑप्शन ही आपका गलत है। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का स्थापना का गठन कब किया, 1980 में इसकी स्थापना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय सरकारी संगठन कृषि के विपणन में अर्थात एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सम्मिलित नहीं है, तो भारत का कपास निगम सम्मिलित है, भारतीय खाद्य निगम ये भी सम्मिलित है, कृषि लागत एवं कीमतों का आयोग ये भी सम्मिलित है, परंतु भारत के कृषि निगम ये इसमें सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, ठीक है, जो वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक विभाग होता है उसके द्वारा, आर्थिक कार्य विभाग उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। यह भारत सरकार का फ्लैगशिप वार्षिक दस्तावेज होता है जो विगत 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों की समीक्षा करता है, ये विगत होता है, जबकि जो बजट होता है वो आगामी जो एक वर्ष होता है उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। अगला है, अवमूल्यन से तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि अन्य देशों की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, ये आपका अवमूल्यन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक के रूप में मिश्रित किया जाता है, तो इसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट दोनों को मिश्रित किया जाता है, डी ऑप्शन ए एंड बी दोनों शामिल सही है। अगला क्वेश्चन है, दूध एक पायस या इमल्शन का उदाहरण है, बिल्कुल सही है, दूध में विटामिन सी के अलावा लगभग सभी पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं, ये भी सही है, दोनों ही कथन सही है, था सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, तो पहला है ऑक्टेन संख्या जो है, ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के एंटी नॉक गुण का पता लगाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, जबकि सीटेन संख्या का प्रयोग डीजल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण के लिए होता है, ये भी सही है। तीसरा, सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, ये भी सही था, तीनों सही है, था बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि RIDF या इंग्लिश में कहें तो रूरल वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है, तो नाबार्ड के तहत की गई है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में सही है। अगला है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है, ये भी सही है। शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र ये लखनऊ में नहीं बल्कि झांसी में है, तो इसलिए सही नहीं है, जबकि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ये मैसूर में है। बुंदेलखंड विकास निधि योजना प्रारंभ कब की गई थी, तो ये योजना जो है आपकी 1998-99 में प्रारंभ की गई थी, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ण निर्णय का सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 141 में वर्णित है किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट पर अर्थात सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर आबाधकर होते हैं, जबकि यह निर्णय स्वयं सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान के सीमावर्ती हैं, तो मथुरा एवं आगरा ये इसके सीमावर्ती हैं। फिर यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है, तो देखिए पीलिया जो है यकृत संबंधी रोग होता है इससे, पीलिया से, और पोलियो से क्या होता है, पोलियो से तंत्रिका एवं पेशीय रोग हो जाता है, हर्पेस से त्वचा रोग हो जाता है, और रोहा से नेत्र संबंधी रोग हो जाता है। तो 1, 2, 4, 3 तो वन आपका 1, 2, 4, 3 देखते हैं, ये कहाँ पे है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात क्रमशः कितना है, ग्रामीण लिंगानुपात 947 है और शहरी लिंगानुपात 929 है, 929 है, जबकि टोटल यदि लिंगानुपात देखें तो 943 है, 943 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण है, तो गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता, तो खुले बाजार की क्रियाएं जो है गुणात्मक साख नियंत्रण के तहत नहीं परिणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिन्हें घोषित किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं अपितु जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो यह है पारिस्थितिकी कर्मता इकोलॉजिकल नीचे कह सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास नहीं करती, तो देखिए सोनभद्र में पहाड़िया, अगरिया, पटारिया ये सभी जनजातियां निवास करती है, पर सहरिया जो है ये ललितपुर में निवास करती है, ना कि सोनभद्र में।
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फूर्त दीप्त पदार्थ का उदाहरण है, इसमें जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, बोरियम सल्फाइड, ये तीनों के तीनों अर्थात उपरोक्त सभी हैं। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश डालना बंद कर दिया जाता है तो उसके पश्चात भी कुछ देर तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं, ऐसे पदार्थ को स्फूर्त दीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फूर्त दीप्त कहते हैं। अगला है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जिसमें प्रभावित होती है क्या? थैलेसीमिया से खून जो है प्रभावित होता है, या एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग में शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है, इससे बच्चों के शरीर में खून की भारी कमी हो जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन यकृत के संबंध में सत्य है? यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो लीवर होती है, सही है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, ये भी सही है। तीसरा, यह मानव शरीर के ताप नियंत्रक का भी कार्य करता, नहीं ये सही नहीं है। ये जो है ताप नियंत्रक का कार्य जो है ये फेफड़े का कार्य है, अर्थात 1 और 2 ही केवल सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है, ये सही है। रेपो दर वह ब्याज है जो RBI अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता, नहीं दीर्घकालिक नहीं, ये लघुकालिक होता है, ठीक है, या अल्पकालिक कह सकते हैं। अर्थात पहला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो ये आपका जो 11वां संविधान संशोधन रहा है 1961 का, इसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया था। ब्रिक्स के किस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने का निर्णय लिया गया? दूसरा सम्मेलन जो था ब्राजीलिया में 2010 में। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, छठी अनुसूची में संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है, बिल्कुल सही है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई जबकि भारत में केंद्र को प्राप्त है, तो ये दोनों ही आपके सही है, तो कोई भी जो है इसमें असत्य नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, जो गलत है वो बताना है। देखिए सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता औरैया सही है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या अनुसूचित जाति अर्थात SC जनसंख्या जो है सीतापुर में, जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये गौतम बुद्ध नगर में नहीं बल्कि आपका कहाँ पे है, ये आजम मिर्जापुर में है, सॉरी जौनपुर में है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है कहाँ पे है, जौनपुर में है। प्रभावी राजस्व घाटे के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है? यह राजस्व घाटा तथा पूंजी संपत्ति सृजन के लिए अनुदान के अंतर को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। अवधारणा 2011-12 के बजट में सर्वप्रथम पेश किया गया, ये भी सही है। यह राजकोषीय घाटे से बड़ा होता, नहीं राजकोषीय घाटे से छोटा होता था, डी सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक महिला जनसंख्या निवास करती है? तो प्रयागराज में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए पूर्वी यमुना नहर, इसका उद्गम सहारनपुर से होता है, आगरा नहर ओखला से, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से, निचली गंगा नहर जो है बनवासा से नहीं बल्कि नरोरा से, बुलंदशहर के नरोरा से इसका उद्गम होता है। राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर जो दयाल बाग स्थित है ये कहाँ पे है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो नटवरी जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जो कि मुख्यतः जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में किया जाता है। मोड़ पर साइकिल पर लगने वाला बल कौन सा होता है? तो अभिकेंद्रीय बल होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 110 धन विधेयक की परिभाषा, 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के संबंध में, आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, 167 जो है ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, नहीं यहाँ पे क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में, जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला, पृथ्वी सूर्य से 3 गुना दूरी पर हो जाए तो सूर्य पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? चूंकि दूरी के क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये 3 गुनी हो जाएगी तो 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, अर्थात वर्तमान का 1/9 गुना हो जाएगा, दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है वो न्यूनतम है? तो ये आपका बरेली में है। चलास नामक घास उत्तर प्रदेश किस एक क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है? तो ये जो है आपका बुंदेलखंड में, कहाँ पर? बुंदेलखंड में, ए ऑप्शन। बंगाल के गौरीपुर घराने का मूल स्रोत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो इटावा जिला है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में, दाजी गांव जम्मू कश्मीर, ब्लैक बग ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में है, और कुंद्रेमुख जो है आपका कर्नाटक में है। आगे चलते हैं,
निम्न पर विचार कीजिए, न्यू मंगलोर, होनावर, एलप्पी और मामल्लपुरम, उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है? तो इसमें से जो मामल्लपुरम है यही केवल आपका पूर्वी तट पर, बाकी अन्य जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित हैं, अर्थात सी ऑप्शन केवल 4। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लौह तथा एल्युमिना से समृद्ध होती है? तो आपकी लैटेराइट मृदा जो होती है ये इससे समृद्ध होती है। लैटेराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लोहे तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है इसमें। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय मुद्रा का 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 1991-92 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अपचय एक विनाशात्मक क्रिया है, बिल्कुल सही। श्वसन के दौरान सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है, प्रोटीन और वसा का नहीं। यहाँ पर भी देखिए सिर्फ सब पर जोर किया गया है, तो इसलिए ये वाला कथन सही नहीं होना चाहिए। तो दूसरा कथन सही नहीं है, पहला वाला सही है, ठीक है। अर्थात ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा 120 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि श्वसन के दौरान कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सभी का विघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। निम्नलिखित में से किस एक के रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला पाया जाता है? तो आपका किस में पाया जाता है? केचुआ में। केचुआ में जो होता है ये घुला हुआ पाया जाता है। आगे चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए, उपरोक्त शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। देखिए सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आएंगे, बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव आएंगे, फिर आपके बाजीराव आएंगे। एक सेकंड, बालाजी विश्वनाथ आएंगे, फिर बाजीराव प्रथम आते हैं, फिर बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो देखिए बालाजी विश्वनाथ, 3-1-2 और सबसे लास्ट में माधवराव आएंगे। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव क्या कहते हैं? सॉरी वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रो पुअर टूरिज्म योजना को वित्त पोषित किया जाता है। प्रो पुअर टूरिज्म को योजना को कौन किसके द्वारा वित्त पोषित हो रहा है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी में से दर्रों में से किस एक में मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग गुजरता है? तो थालघाट, थाल, पाल, भोर, थालघाट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जो सुमेलित है वो बताना है। यूडोमीटर वर्षांक सही है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापक भी सही है, और आपका विस्फोमीटर ये द्रव प्रवाह गति मापक नहीं है, बल्कि विस्कोमीटर जो है ये द्रवों की श्यानता ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण, अर्थात पहला और दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वरुण रक्षा अभ्यास या युद्धाभ्यास वरुण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह भारत एवं फ्रांस के मध्य एक बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है? नहीं, ये नौसैन्य अभ्यास है, वायुसैन्य अभ्यास नहीं बल्कि नौसैन्य अभ्यास है। अप्रैल 2021 में इसका 19वां संस्करण जो है अरब सागर में आयोजित किया गया, ये भी सही है। अर्थात आपका इसमें बताना है कौन सा सत्य कथन है, तो केवल आपका दूसरा वाला था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश ने हाल ही में इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके? तो अमेरिका के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। हाल ही में प्रियंका मोहिते माउंट अन्नापूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, वह किस राज्य की निवासी हैं? तो महाराष्ट्र के सतारा की। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हाल ही में वहां के विद्रोही समूह फैक्ट द्वारा किए गए हमलों के पश्चात हो गई है? तो ये कौन सा देश है? चार देश में ऐसी घटना घटित हुई है। आगे चलते हैं, 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पुरुषों में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा महिलाओं से अधिक होती है, बिल्कुल सही। किसी भी स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पैदा, यहाँ भी किसी पे रखा सद पे जोर है, तो किसी पे नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो आपके ऊंट होते हैं उनके लाल रक्त कणिका में केंद्रक पाया जाता है। और तीसरा कथन, लाल रक्त कणिका में प्रोटीन पाया जाता है, सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। इसमें हमें बताना कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला आपका सही नहीं है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है? तो रेडॉन का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी के लिए किया जाता है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है।
आगे देखते हैं मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र की बिजली किस परियोजना द्वारा पहुंचाई जाती है, तो ये कोयना परियोजना के द्वारा पहुंचाई जाती है। दो सूचियां हैं, इन्हें सुमिलित करना। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये हैदराबाद, तो पहले का आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका करेंसी नोट प्रेस, ये आपका नासिक में है। बैंक नोट प्रेस, ये आपका होशंगाबाद में है। सॉरी, बैंक नोट प्रेस जो है ये आपका देवास में है, पहले से मिलाएंगे। सिक्योरिटी पेपर मिल ये होशंगाबाद में है, ठीक है। इस प्रकार से यदि देखें तो आपका बी ऑप्शन 3412 ये सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए मिश्र धातु और संगठक में, काशा में ताम्र, तामा और टीन होता है, कांशा में ताम्र और टीन होता है, डच मेटल में ताम्र, जस्ता और निकल, नहीं केवल ताम और जस्ता होता है, निकल नहीं होता है। गन मेटल में ताम्र, टीन और जस्ता होता है, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन, दूसरा वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, इटली ने हाल ही में भारत के किस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क की परियोजना लॉन्च की है, तो यह परियोजना जो है गुजरात में लॉन्च की गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा संचालित जल क्रीड़ा एवं साहसिक संस्थान का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है, तो ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा टिहरी झील के किनारे एक जल क्रीड़ा एवं साहसिक संस्थान का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तराखंड। पूर्वोत्तर भारत के किस एक राज्य में ने हाल ही में स्वदेशी निवासियों को रजिस्टर तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है, तो नागालैंड के निवासियों के लिए, ठीक है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन कोजीत शुरू किया था, तो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में खतरनाक खरपतवार नाशक ग्लाइकोसेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ये घोषणा जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा लगाई गई है। अगला है माई फ्लावर 400 जो हाल ही में खबरों में था, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिप है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य डॉगफिश जो है, डॉगफिश ये आपका एक मत्स्य मतलब सार को ही डॉगफिश कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन, किसी वस्तु की गति के मार्ग की आकृति का निर्धारण केवल त्वरण से होता है, नहीं केवल त्वरण से नहीं होता, इसके अतिरिक्त प्रारंभिक दिशा तथा अन्य कारक भी आधार होते हैं, तो पहला वाला आपका सही नहीं है। दूसरा, किसी वस्तु द्वारा दो बिंदुओं के बीच की पथ लंबाई समानता विस्थापन के परिणाम के बराबर नहीं होती है, ठीक है, तो इसमें पहला वाला सही नहीं है, दूसरा वाला आपका सही है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरीय प्रतिरूप के समूह को दर्शाता है, तो नर्मदा सोन तथा महानदी, अर्थात बी ऑप्शन, नर्मदा सोन महानदी एक अरीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। ध्रुवीय उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसे उपग्रह उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं, सही है, ये किसी अक्षांश से प्रत्येक दिन कई बार गुजरते हैं, भी सही है, उच्च तुंगता पर स्थापित उपग्रह नहीं, ये उच्च तुंगता पर नहीं बल्कि कम ऊंचाई पर स्थापित होते हैं, अर्थात पहला और दूसरा ही सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है जहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, मालवा पठार का दक्षिणी भाग बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, मालवा पठार का उत्तरी भाग जो है बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, तो आपका बी वाला जो है सही हो जाएगा। निम्न गंगा मैदान के दलदली भाग को बील कहते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 2 वीडियो में 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।